जय श्री श्याम दोस्तों, स्वागत है आपका प्राचीन धर्म ज्ञान चैनल में। पितृ पक्ष में जरूर कर दे इन चार चीजों का दान, पितृ हो जाएंगे प्रसन्न और आपको मिल जाएगी पितृ दोष से मुक्ति। दोस्तों, हिंदू धर्म में पितृ पक्ष को बेहद महत्वपूर्ण माना गया है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार पितृ पक्ष में पिंडदान, तर्पण इत्यादि क्रम करने से पितृ प्रसन्न होकर आपके ऊपर अपना आशीर्वाद बनाए रखते हैं। और इस साल पितृ पक्ष 29 सितंबर 2023 से शुरू हो रहे हैं, तो जो लोग पितृ दोष के कारण परेशान हैं, पितृ दोष के कारण उनके बनते हुए कामों में अड़चने आ रही हैं, तो ऐसे व्यक्तियों को पितृ पक्ष में इन चीजों का दान करने से पितृ दोष से होने वाले दुष्प्रभावों से मुक्ति मिल जाएगी। क्योंकि पितृ दोष से मुक्ति पाने के लिए पितृ पक्ष सबसे अच्छा समय होता है और पितृ पक्ष का समय भादव मास की पूर्णिमा से शुरू हो जाता है और आश्विन मास की अमावस्या पर समापन हो जाता है। तो मान्यता है कि इन 15 दिनों में पितृ पृथ्वी लोक पर भ्रमण करते हैं। यदि ऐसे में इन 15 दिनों में पितृ पक्ष में पितरों के निमित्त पूरे श्रद्धा भाव से पिंडदान, तर्पण और कुछ पितरों के निमित्त दान पुण्य कर दिया जाए तो पितृ प्रसन्न होकर अपने परिवार के ऊपर हमेशा अपना आशीर्वाद बनाए रखते हैं, जिससे कि परिजन हमेशा सुखी और संपन्न रहते हैं। लेकिन यदि पितृ नाराज हो जाएं तो कई पीढ़ियों तक पितृ दोष का सामना करना पड़ सकता है। तो वहीं पितृ पक्ष में कुछ चीजों का दान करने से पितृ प्रसन्न हो जाते हैं। तो चलिए अब आपको बताते हैं कौन सी हैं वो चीजें जिनका आपको दान करना है। तो ज्योतिष शास्त्र के अनुसार पितृ पक्ष में मृत पूर्वजों की तिथि के अनुसार श्राद्ध निकालना चाहिए और उस दिन किसी गरीब को यथाशक्ति भोजन कराकर दान दक्षिणा देना चाहिए। हो सके तो अपनी सामर्थ्य के अनुसार सफेद रंग का धोती कुर्ता और सफेद रंग का गमछा और चप्पल का दान करना चाहिए। ऐसा करने से पितृ दोष से मुक्ति मिल जाती है और साथ ही राहु और केतु दोष से भी मुक्ति मिल जाती है। और पितृ पक्ष में दूसरा दान अनाथालय या फिर वृद्धाश्रम में भोजन और कपड़े का दान करना चाहिए, या फिर गरीबों में अपने सामर्थ्य अनुसार कपड़े और भोजन का दान करने से भी पितृ प्रसन्न हो जाते हैं और अपने परिजनों पर अपना आशीर्वाद बनाए रखते हैं। ऐसा करना बहुत ही शुभ होता है। पितृ पक्ष में तीसरा दान है गौ माता का दान। जिन लोगों का सामर्थ्य है तो वो लोग गौ माता का दान अवश्य करें। ऐसा करने से समस्त कुलों के पापों का नाश हो जाता है और पितृ दोष से भी मुक्ति मिल जाती है। इतना ही नहीं, वर्तमान पीढ़ी से लेकर आने वाली पीढ़ियां भी, आने वाली संतान भी पितृ दोष से मुक्त हो जाती हैं। और चौथे दान के रूप में पितृ पक्ष में काले तिल का दान अवश्य करना चाहिए। साथ ही काले तिल का प्रयोग भी पूजा में अवश्य करना चाहिए और जिस दिन आपके घर में श्राद्ध हो उस दिन ब्राह्मण भोजन करवाने के बाद पीपल के वृक्ष में काले तिल के साथ जल भी अर्पित करना चाहिए और शाम के समय शुद्ध घी का दीपक पीपल के पेड़ के नीचे जलाना चाहिए और अपने घर के मुख्य दरवाजे पर भी शाम के समय दाई और शुद्ध घी का दीपक जलाना चाहिए। इससे पितरों को घर में आने का रास्ता मिलता है और पितर प्रसन्न हो जाते हैं। और काले तिल का दान करने से पितर तो प्रसन्न होते ही हैं, साथ ही कुंडली के कई तरह के दोषों से भी मुक्ति मिल जाती है और शनि ग्रह की पीड़ा से भी मुक्ति मिलती है। शनि दोष शांत हो जाते हैं और साथ ही शनि देव की कृपा भी बनी रहती है। तो ये थे पितृ पक्ष के दौरान क्या दान पुण्य करना शुभ रहता है जिससे कि पितृ प्रसन्न हो जाएं, उनकी संपूर्ण जानकारी। यदि आपको ये जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और इस जानकारी को अपने दोस्तों के साथ अधिक से अधिक शेयर कर दें। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई जानकारी के साथ।